देश के अलग अलग मोर्चों पर लोगों को महंगाई के झटके लग रहे हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 16 जून से घरेलू गैस कनेक्शन लेना महंगा कर दिया है। नया घरेलू रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के सिक्योरिटी डिपॉजिट की दरों में इजाफा कर दिया गया है। नई कनेक्शन के बढ़े हुए रेट 16 जून गुरुवार से लागू हो चुके हैं। उपभोक्ताओं को अब हर नए गैस कनेक्शन के लिए 1450 रुपए की जगह अब 2200 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा, यानी सीधे सीधे हर नए गैस कनेक्शन के लिए जमा दरों में 750 रुपए का इजाफा हुआ है। गैस रेगुलेटर की कीमत भी 150 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए हो गई है। पाइप के लिए अलग से 150 रुपए और पासबुक के लिए 25 रुपए देने होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 2200 रुपए सिक्योरिटी, 250 रुपए गैस रेगुलेटर के लिए, 150 रुपए पाइप के लिए, 25 रुपए पासबुक के लिए और गैस स्टोव जैसे अन्य खर्चे मिलाकर कुल 3690 रुपए नए गैस सिलेंडर के लिए देने होंगे। अगर कोई व्यक्ति नए गैस कनेक्शन के साथ दो नए सिलेंडर लेता है तो उसे 4400 रुपए देने होंगे। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL ने बताया है कि 5 किलोग्राम के सिलेंडर की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अब 800 रुपए की जगह 1150 रुपए कर दी गई है। इसके पाइप के लिए नए नियमों के तहत 150 और पासबुक के लिए नए नियमों के तहत 25 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना वाले ग्राहकों ने अपने कनेक्शन पर सिलेंडर को डबल किया यानी दूसरा सिलेंडर लिया तो उन्हें बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि देनी होगी। ग्राहकों को नए कनेक्शन में लगने वाले रेगुलेटर के लिए अब 150 रुपए की जगह 250 रुपए खर्च करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।